मौसम के पारे के बीच राजस्थान की सियासत का पारा एक बार फिर चढ़ने वाला है। इस बार राज्यसभा चुनावों को लेकर राजनीति जोर पकड़ने लगी है। प्रदेश में 4 सीटों पर चुनाव होने वाला है जिन पर भाजपा के सदस्य थे। हालांकि अब समीकरण कांग्रेस के पक्ष में है। ऐसे में इन चुनावों में 2 कांग्रेस तो 1 भाजपा की तस्वीर साफ है। लेकिन भाजपा दूसरी सीट पर उम्मीदवार उतारने का मन बना रही है ताकि कांग्रेस को वॉकओवर नहीं दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी के कोर ग्रुप ने प्रारंभिक तौर पर चर्चा कर ली है। हमने प्रदेश अध्यक्ष जी को और हमारे संगठन महामंत्री सहित कुछ लोग इस पर विचार विमर्श कर रहे हैं, अपनी रणनीति हम बना रहे हैं। स्पोर्ट सरप्लस है इसलिए निश्चित तौर पर दूसरे उम्मीदवार को उतारने के लिए चर्चा हम करेंगे। और जो ही हमारे चूंकि पार्लियामेंट्री बोर्ड का काम है, निर्णय करने का काम पार्लियामेंट्री बोर्ड का निर्णय आएगा। राज्यसभा के चुनावी गणित में कांग्रेस भी जुट गई है। 4 में से 3 सीटों पर दावा करने वाली कांग्रेस उम्मीदवारों के चयन पर फोकस कर रही है, तो उधर केंद्र की भी पूरी नजर इन चुनावों पर है। उधर माना जा रहा है कि यदि भाजपा दूसरे उम्मीदवार को खड़ा करती है तो एक बार फिर से भाजपा और कांग्रेस में बाड़ाबंदी देखी जा सकती है। लेकिन इस बीच कांग्रेस के मंत्री ने दावा किया है कि वो 3 सीटें जीतने जा रही है। कांग्रेस 3 सीटें जीतेगी, पूरे कांग्रेस के जो सदस्य वो तो है ही, उसके अलावा जो निर्दलीय कांग्रेस के साथ है वो पीटीपी के हैं वो, और जो कांग्रेस के पीटीपी के और भी जो कांग्रेस को सहयोग करे उनको लेकर के 3 सीटें कांग्रेस जीतेगी। राज्यसभा नामांकन को लेकर प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन भाजपा का वॉकओवर नहीं देने का मूड साफ दिख रहा है। ऐसे में राज्यसभा चुनाव में एक बार फिर से प्रदेश में विधायकों के जोड़ तोड़ का खेल खेला जाएगा। देखना यह होगा कि राज्यसभा चुनाव में किसकी रणनीति सफल रहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। स्वागत है आपका, मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर, और खास खबर में हम बात करेंगे राज्यसभा चुनाव की। यूं तो 15 राज्यों के 57 सीट के लिए राज्यसभा का मतदान होगा 10 जून को, लेकिन मतदान तब होता है जब
अगर नामांकन जितनी सीट के लिए प्रत्याशी होते हैं उससे ज्यादा अगर होता है तो नामांकन के बाद मतदान की स्थिति बनेगी। चले लेकिन पहला दिन अधिसूचना जारी होने के साथ ही राजस्थान की अगर बात करें तो एक भी नामांकन दर्ज नहीं हुआ है और 31 मई तक यह सिलसिला चलेगा। सैटरडे संडे अवकाश रहेगा, 3 तारीख तक नामांकन वापस ले सकते हैं और आवश्यकता पड़ने पर 10 जून को मतदान होगा, उसी दिन काउंटिंग होगी। ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है जो आप सब लोग जानते होंगे। खैर चले लेकिन बात राजस्थान की, 2 सीट कांग्रेस के खाते में, 1 सीट भाजपा के खाते में जाती साफ दिखाई दे रही, लेकिन 1 सीट पर पेच फंसा हुआ है कि वो भाजपा जीतेगी या कांग्रेस या फिर कोई और आएगा। अब इस सीट को लेकर के सियासी पारा चढ़ सकता है, जिसे हम सियासी हॉर्स ट्रेडिंग की बात करते हैं, और यहीं से बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो एक बात निकल के आएगी अगले 2 दिन बाद में कि हॉर्स ट्रेडिंग कराना चाहती है ये पार्टी। आखिर हॉर्स ट्रेडिंग कराएगा कौन? क्या वॉकआउट देगी बीजेपी कांग्रेस को या फिर कांग्रेस बीजेपी के उलझन में उलझती नजर आएगी? ये देखने वाली बात होगी। यानी कि उलझन तब होगी जब 4th सीट के लिए मतदान होगा और कांग्रेस के लिए मुझे नहीं लगता कि बीजेपी वॉकओवर दे पाएगी। कोई ना कोई प्रत्याशी ऐसा खड़ा किया जा सकता है कि जो कॉमन हो सकता है, जिसे ये कहा जा सकता है कि कुछ वोट आप ले लीजिए बाकी हम समर्थन करेंगे। खैर चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ मनीष पारिक साहब भाजपा से हैं, आरआर तिवारी साहब कांग्रेस से हैं और हमारे सहयोगी अनिल सेन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी का स्वागत है। मनीष जी, क्या लगता है आपको, ये 4th सीट पे पैच फंस सकता है? बीजेपी कांग्रेस को वॉकआउट देगी या कोई रणनीति बनेगी? तो वैसे भी अभी तय होना है योगेंद्र जी, जो फैसला करने वाली समिति है, और ये चूंकि अखिल भारतीय विषय होता है राज्यसभा का, तो निश्चित तौर पर इसका फैसला होगा। जो लोग फैसला लेने हैं वही बता सकते हैं तो एग्जैक्टली क्या होगा, लेकिन ये जरूर है कि देश जरूर ये चाहता है कि राजस्थान से भाजपा के 2 जने चुने जाएं, तो वो सरकार मजबूत होती है जो फैसले ले रही है। जापान में जिसको इज्जत अफजाई हो रही है, जहां पूरे संसार में इस डिवेल्यूएशन के जमाने में भारत ने अपनी इकोनॉमी को दृढ़, लेकिन यहाँ मनीष जी जनता के चाहने से नहीं होगा तो विधायकों के चाहने से होगा। मनीष जी, मैंने सोचा, मैंने कहा जन भावना जो है वो ये है कि मोदी जी की सरकार वहां पर और मजबूत हो राज्यसभा में, ये जरूर लोग चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि अब विधायक उस बात को नहीं समझेंगे कांग्रेस के, क्योंकि उनका तो अब जाने का नंबर आ गया है। उनको लगता है लास्ट में एक सीट हम ले ले, या दलगत राजनीति कोई होगी, या ये जो आप समझिए कि आज फोटो छपी है निर्दलीय विधायकों की, तो इनका भी रोल होगा। तो वो सब जो होगा वो तो आप समझ सकते हैं कि ये काउंटिंग का गेम है, दिस इज द इक्वेशन, और उसमें सर गिने जाते हैं निश्चित तौर पर। तो भावना की बात तो हम कर सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली ये जो इक्वेशन है वो बड़े निर्दयी होते हैं, और निर्दय इसी निर्दयता और सहृदयता के बीच का कोई फैसला। चलिए ठीक है, तो इंतजार रहेगा। और तिवारी साहब, आपसे जानना चाहूंगा, तीसरे कैंडिडेट पे कांग्रेस का फोकस होगा, निश्चित रूप से होगा, क्योंकि बड़ी महत्वपूर्ण है और कांग्रेस के पास में छत्तीसगढ़ और राजस्थान ही ऐसे हैं जहां अपने लोगों को ओबलाइज कर सकती है, अपनी ताकत बढ़ा सकती है। ऐसे में एक एक चीज पर बहुत ही बारीकी के साथ में मनीष पारिक साहब ने बिल्कुल ठीक कहा, और निश्चित रूप से ये ऊपर के स्तर पर तय होती है। ये सहज नहीं है कि टिकट कोई पार्षद का नहीं है, ये राज्यसभा के चुनाव का टिकट है और ये लोकसभा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण कवायद कही जा सकती है। इससे पार्टियां उसमें काफी कुछ मातापची कहें आम भाषा में, या कहें कि एक्सरसाइज की जाती है। तो तीसरी सीट का, 2 सीटें हैं, वो पार्टी आला कमान जिसको चाहेंगे, क्या कास्ट इक्वेशंस होंगी, ये तमाम चीजें हैं, लेकिन तीसरी सीट को लेकर के क्या होस्टेडिंग जैसी आपको इसमें तस्वीर नजर आएगी या फिर कहें कि सहजता के साथ चुनाव संपन्न हो जाएगा? योगेंद्र भाई, राज्यसभा के चुनाव का आगाज आज से शुरू हो गया, और मैं फिर कह रहा हूं राजस्थान के मुख्यमंत्री जननायक अशोक गहलोत है और वो जादूगर के नाम से प्रसिद्ध है। राजस्थान में 3 सीट कांग्रेस लड़ेगी, 3 सीट जीत करके आएंगे, डंके की चोट पे जीत करके आएंगे, ये बात मैं कह सकता हूं। अभी भाई मनीष पारिक जिस प्रकार से आगे पीछे ऊपर नीचे घुमा के कह रहे हैं, तय नहीं कर पा रहे कि हम दूसरी सीट लड़ा पाएंगे या नहीं लड़ा पाएंगे। सवाल है, उनको मालूम है कि कांग्रेस का इतना प्रचंड बहुमत है कि हम 3री सीट भी आसानी से जीतेंगे, क्योंकि हमने निर्दलीयों के साथ में बीटीपी वाले, सीपीएम, सीपीआई वाले, आरएलपी वाले, ये सब कांग्रेस के साथ देने वाले, ये इनको मालूम है। इसलिए एक क्या कहना चाहते हैं घुमा फिरा करके स्पष्ट रूप से नहीं कह पाए। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, राजस्थान में 3 सीट कांग्रेस के प्रत्याशी जीत करके राज्यसभा में कांग्रेस का मान बढ़ाएंगे।
जी चलिए, अब गुलाबचंद कटारिया भी संकेत दे रहे हैं कि हम प्रशिक्षण देंगे, यानी कि बाड़ेबंदी तो तय है। राज्यसभा चुनाव में बीजेपी कैंडिडेट भी उतारेगी और तीसरे चौथे प्रत्याशी के लिए कैंडिडेट भी उतार सकती, यानी कि वहीं से घमासान होगा और वहीं से होस्ट ट्रेडिंग की बू आएगी, जिससे सियासी हलकों में कई बार इसका नाम लिया जाता है। चलिए अनिल हमारे साथ में। अनिल, ये देखिए, लोकसभा सीट में तो आपकी रिजर्व भी हो सकती है, उसके अलावा आपको किस कास्ट का कौन हो सकता है वहां पे वो एक अलग मैटर होता है, लेकिन राज्यसभा में हर चीज की बड़ी बारीकी से देखा जाता है कि आपको ओबलाइज किसको करना है। लोग बहुत होते हैं, आपको आपके पास में अवसर बहुत सीमित है, तो यहाँ विधानसभा चुनाव भी है, विधानसभा चुनाव से ठीक पहले ये राज्यसभा चुनाव काफी महत्वपूर्ण है, तो उस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि बहुत कुछ दोनों ही पार्टियों को काफी कुछ एक्सरसाइज करनी होगी, क्योंकि और तीसरी पार्टी का मुझे कोई रोल नहीं दिखता है, वो केवल मतदाता के रूप में अपने पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन कैंडिडेट तो बीजेपी और कांग्रेस का ही होगा। देखिए बिल्कुल, और एक्सरसाइज की जहां तक बात है, कांग्रेस और बीजेपी के अलावा तो चौथी सीट है, वहां पर दूसरे दलों का भी माथा पंचन यहां पर हो रहा है, खासतौर से आरएलपी आरएलडी, इनकी भूमिका कहीं ना कहीं बढ़ जाती है, माकपा के सीपीएम है, ये आपस में मंथन भी कहीं ना कहीं कर रहे हैं, हालांकि गणेश घोघरा के इस्तीफे के बाद, हालांकि मुख्यमंत्री को भेजा, लेकिन फिर भी अंदरूनी चर्चा है कि कांग्रेस के अंदर अंतर्कलह है। उधर पिछली बार हमने देखा जब वोट हुआ था राज्यसभा के लिए, हनुमान बेनीवाल की पार्टी बीजेपी के साथ थी, लेकिन किसान आंदोलन के बीच में गठबंधन टूट गया, तो वहां से भी कुछ वोट शेयर कम हुआ बीजेपी का, कांग्रेस के बीच में अंतर्कलह की बात यहां पर कही जा रही है, लेकिन फिर भी कौन पटरी पर बैठा पाएगा, क्योंकि स्थितियां जो है अभी भी कांग्रेस को 15 वोट और बीजेपी को 11 वोट की कमी है, अगर यहां पर दूसरा प्रत्याशी बीजेपी की ओर से उतारा जाता है, हालांकि नेता प्रतिपक्ष ने क्लियर कर दिया है कि दूसरा प्रत्याशी उतरेगा भी, कांग्रेस को कोई वॉकओवर नहीं दिया जाएगा, और लोकतंत्र में अधिकार है चुनाव लड़ने का, ये भी कहीं ना कहीं कटारिया जी की ओर से कहा गया है, बाड़ेबंदी को स्वीकार किया गया है और प्रत्याशी का नाम ऐलान हो जाएगा, उसके बाद में बाड़ेबंदी बीजेपी की ओर से भी होगी और कांग्रेस की भी तैयारियां है, क्योंकि वर्कशॉप जो आयोजित हो रहा है 1 जून और 2 जून को, तो लगता है कि 2 जून के वर्कशॉप के बाद में शायद तमाम जो विधायक वहां पर जुटेंगे वो सीधे बाड़ेबंदी में ही वहां पर जाएंगे और फिर वोटिंग के दिन उनको निकाला जाएगा, तो सियासत पारा जो है राजस्थान का वो अब तेज होने वाला है, यहाँ पर अगर सियासी जो पारा चढ़ने के साथ साथ तमाम ये मान सकते हैं कि हम 3 तारीख को यानी कि 3 जून को नामांकन वापसी का दिन होगा, उसी दिन से बाड़ेबंदी कही जा सकती है, क्योंकि तस्वीर तभी साफ होगी। देखिए बिल्कुल, और 3 जून से पहले भी संभव है कि दोनों जो पार्टियां बाड़ेबंदी में चले जाएं, तमाम उनके विधायक हैं, उनके जो वोट हैं, उनको अलग अलग जगहों पर वहां पर ठहराया जाए। पिछले चुनाव में भी हमने देखा था कि कुछ इसी तरह की स्थितियां बनी थी, कांग्रेस ने भी बाड़ेबंदी की थी और बीजेपी बाड़ेबंदी की थी, लेकिन प्रशिक्षण शिविर का नाम वहां पर दिया गया, हालांकि प्रशिक्षण के बाद में भी एक वोट जो था वो खारिज हुआ। गुलाबचंद कटारिया ने भी कहा कि इस तरह की स्थितियां बनती है तो पार्टी को प्रशिक्षण देना जरूरी भी होता है, लेकिन प्रशिक्षण कितना इसमें दिया जाता है या फिर एक तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स वहां पर होती है, ये बाड़ेबंदी में ही देखने को मिलती है। ये जरूर है कि अब होस्ट ट्रेडिंग होगी या फिर एक दूसरे पर आरोप लगेंगे, हो नहीं हो, खरीद फरोख्त हो या नहीं हो, लेकिन सियासी पारा जो है इन बयानों में जरूर देखने को मिलेगा। जी मनीष जी, अब तो साफ है कि गुलाबचंद कटारिया ने हमारी चर्चा के दरमियान ही एक बात कह दी है उन्होंने कि हम कांग्रेस को वॉकओवर नहीं देंगे, तो साफ है स्थिति की चुनाव होगा और बीजेपी अपने बैनर पे एक उतार सकती है, दूसरे को इंडिपेंडेंट करके, जैसे कि पहले बीजेपी से ही आपके कद्दावर नेता लखावत साहब को उतारा गया था, इस टाइप से कुछ हो सकता है। खैर ये बीजेपी जो भी रणनीति, लेकिन ये तो तय है कि वॉकओवर नहीं दिया जाएगा, लेकिन वॉकओवर नहीं देंगे। पिछली बार जब आपने कैंडिडेट उतारा था तो कांग्रेस का एक आरोप सामने आया था कि मालूम है कि दुकान में सामान नहीं है, यानी कि आपके पास में वोट नहीं है, उसके बाद भी आपने कैंडिडेट उतारा तो आप हॉर्स ट्रेडिंग करना चाहते थे, ये कांग्रेस की ओर से आप पे आरोप लगा था, क्या इसी तरह से फिर आरोप लगाने की कवायद है? नहीं नहीं, अभी जैसे अनिल जी ने कहा कि बीटीपी है आरएलडी है, अब ये जो निर्दलीय विधायक है इसमें से भी 3 विधायक तो ऐसे हैं जो भाजपा ओरिएंटेड रहे हैं, तो ये इतने लोग संख्या होती है 8-10 एक सब्सटेंशियल अमाउंट है जो खुद चाह रहे कि भाजपा जीते, तो मैं समझता हूँ कि उसीलिए, और मैंने आपको निवेदन इसीलिए किया था कि जो जन भावनाएं हैं भाजपा की सरकार मजबूत होनी चाहिए, इससे कांग्रेस की तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको, लेकिन भाजपा की सरकार वहां पे मजबूत होगी, अगर
दिल्ली में, और उसके नाते से अगर राजस्थान की जनता का ये भावना है कि मोदी जी सरकार मजबूत हो, तो विधायक को भी रिफ्लेक्शन आता ही है। ये सारे विधायक मिलकर तय कर ले कि हमको तो बीजेपी को वोट देना है, दो कैंडिडेट इनके। लेकिन आपको लगता है कि ऐसे अंतरात्मा की आवाज पे, अंतरात्मा क्या, देखो ये बात कई बार कही जाती है कि हाउस के अंदर भी कई बार वोटिंग होती है कि अंतरात्मा की आवाज के नाम पर वोट दीजिए, और इसी तरह से यहाँ पे भी आपको लगता है कि अंतरात्मा आज के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में किसी की जागृत हो सकती है? नहीं, मैंने आपको कहा वो तो विप है, दलीय है, उसमें तो कोई है ही नहीं बात, वो कॉन्स्टिट्यूशनल वो है जो व्यवस्था, उसमें तो कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मैंने आपको निवेदन किया कि जो अशोक गहलोत जी की सरकार है उनको पूर्ण बहुमत नहीं था, अब वो 96, 95, 98 पिट रहते थे, जो 6 बसपा वाले शामिल किए जोड़ तोड़ से, जैसा ये कह रहे हैं बार बार जादूगर है वो, तो जोड़ तोड़ में माहिर है, जो 6 जने 5 जने 2 जने 3 जने ऐसे कर तो अनुमति का डिफरेंस तो है एक बात। दूसरी बात ये कि जो सिद्धांतों पर सहमति नहीं है, लेकिन वोट दे दो बस, और इसके बदले आप मजे करो, इसके बदले एसडीएम से मंदिर तोड़वाओ, आप कुछ भी करो, आप बलात्कार करें तो भी हम कुछ नहीं करेंगे, उसको गिरफ्तार नहीं करेंगे। अरे अभी हारे नहीं, अभी तो लड़ाओ, निराशा की भावना मनीष तिवारी कभी से हार मान ली क्या आपने? पार्टी विद डिफरेंस, योगेंद्र भाई ये पार्टी विद डिफरेंस है, चाल चरित्र चेहरे वाली पार्टी है, और आज अगर गुलाब चंद कटारिया जी ने कहा कि हम दूसरा उम्मीदवार बनाएंगे, तो आप देख लो ये हॉर्स ट्रेडिंग का ही, तो किसी सेठ को लाएंगे, अडानी अंबानी के किसी चेले को लिएंगे, और राजस्थान में इनका जो प्रयास सरकार को गिराने का पहले से पैसे की ताकत पर था, फिर ये लगाएंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं ये पार्टी विद डिफरेंस नहीं, और नरेंद्र मोदी की डिमांड है, पूरा देश बेरोजगारी से, महंगाई से त्रस्त है। मनीष पारिक जी, आज भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा सामने आ गया, जापान में आपने कुछ डंके बजा दिए, वहां पर आपको स्वागत करने के लिए कोई छोटे मोटे नेता आए थे, वहां का प्रधानमंत्री नहीं आया था, जिसको आपने बुलेट ट्रेन के नाम पर पूरे देश के अंदर एक हल्ला मचा रखा है। ये पार्टी विद डिफरेंस खरीदने के लिए लौटे, अपन कह रहा हूँ अगर दूसरा उम्मीदवार लड़ा रही है भारतीय जनता पार्टी, सामान नहीं इनके पास में एक उम्मीदवार के अलावा, तो ये किसी सेठ को ला करके राजस्थान में हॉर्स ट्रेडिंग कराना चाहते हैं और बाड़ा बंदी का आरोप लगाते हैं। कांग्रेस क्या करेगी, कांग्रेस किसको उतारेगी? हमारे जो भी लड़ेगा कांग्रेस का कार्यकर्ता लड़ेगा, तो ये क्या कह सकते हैं कि किस उद्योगपति को कांग्रेस नहीं उतारेगी? वो उद्योगपति भी कांग्रेस का अगर सामान्य मेंबर है, बीजेपी अगर उतारती है तो हॉर्स ट्रेडिंग, आप उतारेंगे तो नहीं होगी। कांग्रेस के अंदर गरीब और अमीर का बराबर का दर्जा है, या तो पूरा देश जानता भारतीय जनता पार्टी का अभी जो शासन चल रहा है वो केवल और केवल पूंजीपतियों की पूंजी को बढ़ाने का है। आज अडानी दुनिया का 5वें नंबर का सबसे अमीर आदमी बन गया, जहां आज देश के अंदर सामान्य गरीब और मध्यम वर्ग के आदमी की आय कम हुई है, ये सेठ अडानी अंबानी के पैसे कैसे बढ़ रहे हैं? केवल और केवल चूंकि ये गुजरात के हैं, प्रधानमंत्री जी गुजरात के हैं, इसलिए इन्होंने अपने गुजरात के लोगों को देश और विदेश में जो कुछ व्यापार करने की छूट दे रखी है, और ऐसा ही कोई दूसरा उम्मीदवार ला करके फिर राजस्थान के विधायक को खरीदने का ये कुत्सित प्रयास करेंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं राजस्थान में जननायक अशोक गहलोत बैठे हुए हैं, वो हर गतिविधि को जानते हैं, और कल ही हमारे निर्दलीय विधायकों ने मुख्यमंत्री जी से भेंट करके कहा हम आपके साथ में, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के प्रकाश करात आकर के कह के गए हमारे 2 वोट हैं, हम किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन नहीं देंगे, बीटीपी हमारे साथ में, सुभाष गर्ग हमारे साथ में, और कोई आश्चर्य नहीं है हनुमान बेनीवाल जी के 3 विधायक भी कांग्रेस के साथ में आ जाए अगर उनको आगे की राजनीति करनी है तो। और जो कही है तो पहले आपको निवेदन किया, सारी बात उन्होंने कही, जो घोटालेबाज पार्टी है वो अभी दिल्ली के केंद्र से बाहर हो गई, पहले करोड़ों के घोटाले होते थे, अब करोड़ों का काम होता है, शौचालय बनते हैं, खाते खुलते हैं, ये सब जनता ने देखा है। लेकिन मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ कि जो ये जो विधायक ये 14 जने ज्यादा थे, कोई इनको पूर्ण बहुमत नहीं था, ये तो इन्होंने जोड़ तोड़ से बना रखा है, इससे इनकार नहीं कर सकते ये, लेकिन बीजेपी ने तब भी तोड़फोड़ नहीं करी और उनको खरीदा नहीं लोगों। अरे पूरे देश ने देखा, गजेंद्र सिंह शेखावत जी अपना वॉइस सैंपल क्यों नहीं दे रहे हैं? पूरे देश ने गजेंद्र सिंह जी की आवाज सुनी है, करोड़ों रुपए का प्रलोभन कांग्रेस के विधायकों को दिया, हम लोगों को परेशान किया, राजस्थान की जनता को परेशान किया, और अंततः क्या हुआ,
अशोक गहलोत अंगद की भांति अडिग थे, अडिग है और अडिग रहेंगे। सरकार बचाने में हम कामयाब रहे। डोटासरा को बचा लिया, भ्रष्टाचारी को उन्होंने रघु आरोप केवल बयानवीर नेता हो। अरे कोर्ट के अंदर कोई इष्टगाछा पेश करो ना। डोटासरा ने अपने भाई को लगा दिया, भ्रष्टाचार किया है तो आप कानून का रास्ता अपनाओ। हर मीटिंग में, हर मोहल्ले में आप केवल मैं एक बात जानना चाहूंगा अनिल आपसे कि देखिए अपने अपने फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं मनीष जी और आदर तिवारी साहब। मैं यहाँ ये मोदी जी की लोकप्रियता, क्वाड, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, सारी चीजें कोविड के दरमियान जो कुछ है, वैक्सीन वगैरह जो भी कुछ कहना था इन्होंने कह लिया, इन्होंने कह लिया सरकार गिराने के प्रयास, लेकिन यहां वोट जनता नहीं डालेगी, यहां वोट विधायक डालेंगे। इन विधायकों पर अंतरात्मा की आवाज की कोई असर होती है या फिर किसी की लोकप्रियता या किसी के महंगाई का इश्यू या किसी का बेरोजगारी का मुद्दा राज्यसभा चुनाव मायने रखता है कहीं पे? बहुत कम फैक्टर ऐसा होता है कि पार्टी की विचारधारा को छोड़कर कोई विधायक या तो जाए। अगर क्रॉस वोटिंग होती है तो महज एक, दो या चार वोट को अधिकतम यहाँ पर हो सकता है। ऐसी स्थितियां राज्यसभा चुनाव में शायद ही बनती हैं। लेकिन जिस तरह की स्थिति राजस्थान की अगर देख ली जाए, राजस्थान में पहले भी हमने कई बार देखा, लगभग 2018 के चुनाव का मुझे भी याद आ रहा है जब कांग्रेस के पास में शायद बहुमत नहीं था और उम्मीदवार उतारा गया और उम्मीदवार भी शायद धनबाद वाला उम्मीदवार उतारा गया था। आज चाहे कांग्रेस आरोप लगाए या कुछ भी कहे, लेकिन ये राजस्थान में या दूसरे स्टेट में होता रहा है। कुछ ऐसी स्थितियां इस बार चुनाव में बनने वाली है। यहाँ पर बीजेपी उतारे चाहे कांग्रेस उतारे, धनबल वाला जो उम्मीदवार है शायद इन चुनाव में यहाँ पर उतरेगा और एक फैक्टर कहीं ना कहीं ये बनता हुआ भी देखा जाएगा। दोनों पार्टी आरोप जरूर लगाती हैं, लेकिन इस समय एक चर्चा का विषय और भी विधायकों के बीच में है कि क्या चार सीट है, चार में से चारों सीटें क्या राजस्थान से ही जाएंगी, क्या राजस्थान के लोग रहेंगे? क्योंकि अक्सर ये क्या चर्चा का विषय भी रहता है कि अगर राजस्थान की सीटें हैं तो उस सीट से क्यों बाहरी नेता या दिल्ली के नेता को जगह वहां पर दी जाती है, राजस्थान का हक क्यों मारा जाता है? तो इस पर भी पार्टियों को चर्चा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र है। दो सीटों पर खड़ा करें, तीन पर खड़ा करें या चारों पर चुनाव लड़ा सकती है पार्टियां, लेकिन इस पर भी एक मंथन होना चाहिए आपसी कि क्या हम ऐसा नहीं कर सकते, कांग्रेस हो या बीजेपी, कि ये तो चारों सीटें जो अभी चुनाव हो रहे हैं, चारों सीटों पर राजस्थान से उम्मीदवार उतारे जाएं और यहाँ के जो प्रतिनिधि है या जनसेवक यहाँ का है उसको मौका यहाँ पर दिया जाए ताकि राजस्थान की आवाज दिल्ली में और बुलंद हो। जी मनीष जी, ये बड़ी बात है पार्टी लाइन पे, लेकिन इतनी हिम्मत को कर पाता है कि राजस्थान के कोटे में चारों सीट होनी चाहिए, और ये बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि पहले भी आपकी जो एक केंद्रीय मंत्री जिनका टाइम पूरा हो रहा है अल्फांसो साहब, वो वहां से थे, वेंकैया नायडू साहब कांग्रेस में, पूर्व प्रधानमंत्री जी यहीं से जा रहे हैं, लेकिन ये कंट्रीब्यूशन क्या होता है उस स्टेट का? मुझे तो ये भी पता नहीं है कि आपकी योजनाओं में उनके पैसे कहाँ जाते हैं, सांसद कोटे के पैसे का भी पता नहीं होता है कि कोई कह देता है दिखाने के लिए साहब गांव गोद ले, उसका पता ही नहीं होता अगले कोई। मुझे विजय गोयल साहब का ध्यान है कि वो राज्यसभा में जब यहां से थे कितना पैसा कहां जा रहा था कोई पता नहीं है। तो एटलीस्ट राजस्थान के परिपेक्ष में या किसी भी स्टेट के कहूंगा मैं तो, वहां का नुमाइंदा होता है तो बहुत कुछ उसका फर्क पड़ता है। मैं पार्टी लाइन से अलग हट करके जानना चाहता हूं क्या वास्तव में एक नेताओं को भी ये विचार करना चाहिए। खैर वो देखिए अपना एक एजेंडा है कि वो किसको भेजें किसको नहीं भेजें, कोई बाध्यता नहीं है क्योंकि संविधान में कोई ऐसी बाधा नहीं है कि वो बांध करके रखे, तो ऐसा होना नहीं चाहिए कि राजस्थान के खाते में राजस्थान का ही कोई जीत के जाए, वो कोई भी हो सकता है। ये तो अपर हाउस नाम है इसका, उच्च सदन है तो निश्चित तौर पर हायर है, तो बात भी ऐसी है कि इसमें कोई एक ये सोचा जाए ऐसा नहीं है। दूसरी बात, जो अनिवार्यताएं पार्टी के लिए होती है, जो संघीय ढांचा हमारा है उसके विषय पर भी बात होती है, जैसे अल्फांसो साहब को यहाँ से बनाया था तो निश्चित तौर पर एक मंत्री हमारे राजस्थान से बड़े थे। और जहाँ तक आप ये जो विधायक वो सांसद कोटे की राशि की बात कर रहे हैं तो वो तो इतनी नॉमिनल होती है कि उसकी चर्चा इस लेवल पे की जाए वो 2-5 करोड़ रुपए तो कहीं भी हो ही जाते, राजस्थान में भी उसका उपयोग होता ही है, इतनी बड़ी बात नहीं है। नहीं, उसके अलावा मैं दूसरी बात कर रहा हूँ मनीष जी कि देखिये अगर किसी के हाथ में कुछ होता है तो एक उस स्टेट को एक देनदारी भी होती है कि हाँ हर व्यक्ति अपने स्टेट के लिए कुछ ना कुछ करता है, उनकी प्राथमिकता में जहां से वो जन्म लेते हैं वो स्टेट प्राथमिकता में होता है कि जहां से चुन के आते हैं, कर्म स्थली या जन्म स्थली। हमारे जो रेल मंत्री अभी हैं आप देखेंगे वो राजस्थान के हैं मूलतः,
हाँ। लेकिन वो राज्यसभा के, अब ये तो चुनाव उनको होना चाहिए, मिनिस्टर हैं, उनका लाभ मिल रहा है, और निश्चित तौर पर आप समझ सकते हैं कि जो इस लेवल के ऑफिसर रहे हैं उन्होंने रेलवे को बहुत कंट्रीब्यूशन किया है, तो वो तो कहीं से होंगे ही। एक बात अब ये हो जाएगी इस स्टेट से उस स्टेट से, ये इतनी बड़ी बात बचती नहीं है, क्योंकि ये अपर हाउस का चुनाव है और अपर हाउस एक अपर लेवल की बात होती है। एक बात, दूसरी बात, जो वर्गों को प्रतिनिधित्व देने की बात है उसको भी साधा जाता है, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अखिल भारतीय स्वरूप है, और बड़े हाउस के लिए बड़ी सोच के साथ ही कोई टिकट तय होगा। तिवारी साहब, आपसे जानना चाहूंगा मैं, बड़ी पार्टी ने तो अपना एजेंडा साफ कर दिया कि ये सब बैठ नहीं सकता क्योंकि तय ऊपर से होते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि राजस्थान, मैं एक बात राजस्थान की कर रहा हूं, 15 राज्य हैं, 57 सीटें, राजस्थान में 4 सीटें, तो क्या होना नहीं चाहिए कि राजस्थान में भारी आदमी क्यों, यहीं से क्यों नहीं? योगेंद्र भाई, ये उच्च सदन है और देश के संविधान में उच्च सदन और निम्न सदन का निर्माण किया गया। जो आदमी योग्य होते हुए भी चुनावी राजनीति से दूर रहना चाहते हैं उनके लिए अपर सदन बनाया गया। अगर उसकी योग्यता का उपयोग देशव्यापी अगर उनको परिपेक्ष में करना है तो किसी भी दल के नेता को जो राष्ट्रव्यापी लगता है कि वो देश के लिए कुछ कर सकता है लेकिन वो चुनावी मूड पे नहीं है, वो लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहते, तो ऐसे के लिए संविधान में कहा कि जो अच्छे वकीलों, अच्छे वैज्ञानिकों, अच्छे इंजीनियरों, अच्छे अर्थशास्त्रियों, तो उनको किसी भी राज्य से देश के हित में अपना उम्मीदवार बना करके उनको राज्यसभा में बनाया जाए। और यही बात मैं कहना चाहता हूं कि ये एक फैसला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की वर्किंग कमेटी को करना है, और जो भी उम्मीदवार होगा वो कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेगा, वो बाहरी है, वो राजस्थान का, इस बात का इन चुनाव में मैं समझता हूं कि हमको देखना तो चाहिए कि राजस्थान से अगर प्रतिनिधित्व जा रहा है तो राजस्थान के साथियों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए, लेकिन राष्ट्रव्यापी अगर हमको किसी की योग्यता का उपयोग करना है तो पार्टी नेता, पार्टी हाईकमान इस मामले में तय करे और हमको इसमें कोई गुरेज नहीं है। जी चलिए, आपके पास मैं आना चाहूंगा, दोनों ने अपना अपना जवाब दिया है कि अपर हाउस है जिसे हम स्थायी सदन भी कहते हैं, उच्च सदन भी कहते हैं, और देश की सियासत से है, वहां प्रतिभा ही जाती है, प्रतिभा तो मेरा तो अपना मानना है कि लोअर हाउस में भी जाती हैं, लेकिन ये देखिए एक बचाव, क्योंकि ये पार्टी का एजेंडा और ऊपर से तय होता है। मनीष पारिक साहब और आरव तिवारी साहब मुझे नहीं लगता कि अधिकृत भी हैं इस तरह की बात करने के लिए, तो होना तो चाहिए कायदे से, लेकिन अभी तक किसी राज्य ने ना तो कोई आवाज उठाई है ना कुछ, लेकिन रीजनल पार्टी जरूर मुझे लगता है कि उस दिशा में काम करती है। देखिए, इसका एक कारण और भी लगता है, आज की जो पॉलिटिक्स हो गई है वो दिल्ली केंद्रित ज्यादा हो गई है। धीरे धीरे हम देख रहे हैं ऑर्डर्स वगैरह, जो भी प्रदेश का कोई डिसीजन लेना है, राजस्थान का अगर कोई डिसीजन है तो दिल्ली की तरफ नजर रखेगा कि आखिरकार दिल्ली की नजरें क्या हैं, वहां पर क्या चाहते हैं कि राजस्थान में यही होना चाहिए। ये तो राज्यसभा की बात है, विधानसभा की टिकट का देख लिया जाए, सूची लंबी यहां से जाती है, दिल्ली जो चाहती है उनके नाम फाइनल होते हैं। कभी भी शायद जोर आजमाइश नहीं होती है कि ये व्यक्ति अपने क्षेत्र के अंदर इतना सक्रिय है, इसको ही टिकट दिया जाए, और लड़ाई भी शायद दिल्ली से नहीं लड़ी जाती यहाँ के नेताओं के लिए। तो ये कि स्थितियां इस तरह की हो गई हैं कि दिल्ली जो चाहती है उसी मोड के ऊपर प्रदेश की जो सरकार है या प्रदेश की जो पार्टियां हैं वो उस मोड पर आगे बढ़ना चाहती हैं, दिल्ली से लड़ाई नहीं लड़ना चाहती, दिल्ली को खुश भी रखना चाहती हैं, ताकि किसी समय अगर चांस मिले, मौका मिले, तो उनको कहीं आगे बढ़ावा भी वहां पर मिल जाए, आगे भी वो लोग बढ़ सकें। तो ये एक मजबूरी कहीं ना कहीं प्रदेशों की कही जा सकती है, लेकिन अगर जहां तक योग्यता की बात है, राजस्थान में ऐसा नहीं है, कई वकील भी होंगे, कई एडवोकेट वगैरह भी होंगे, कई विद्वान लोग भी हैं जो कि लोकसभा के चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, अगर सदन में उनको राज्यसभा में भेजा जाता है तो मुखर तौर पर अपनी आवाज भी उठा सकते हैं, सक्रियता भी अपनी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि राज्यसभा सांसदों की अगर सक्रियता को भी देखा जाए तो कई बार ये भी सवाल खड़े होते हैं कि क्यों लोकसभा का क्या प्रतिनिधित्व अगर डायरेक्ट जनता उनको चुनकर भेजती है तो क्या उनका दायित्व ज्यादा बढ़ जाता है, क्या राज्यसभा का सांसद अपनी सक्रियता नहीं बढ़ा सकता, वो अपने किसी भी क्षेत्र में जाकर जनहित के लिए अपने मुद्दे उठा सकता है, जन कल्याण के लिए भी अपने काम यहाँ पर कर सकता है। तो ये जो स्थितियां बदली हैं, शायद ये नजर आता है इस समय की तस्वीर से कि दिल्ली जो चाहती है स्टेट की जो पार्टियां वो भी वही करेंगी, और
जो राजमहेश तो शायद एक तरह से कहा जा सकता है कि इन दिनों दिल्ली से शायद कोई करना भी नहीं चाहता है और ना ही आगे शायद अगर जिस तरह का ट्रेंड पिछले 10 से 15 सालों में नजर आ रहा है, चाहे कांग्रेस को हो या बीजेपी का हो, कांग्रेस में भी नजर होती है कि कांग्रेस की आलाकमान की जो टीम है वहां से जो नाम आए वो यहां पर फाइनल हो जाए। बीजेपी भी यही चाहती है क्योंकि बीजेपी की हमने देखा कोर कमेटी की बैठक हुई, नामों पर चर्चा जरूरी, लेकिन उस चर्चा में भी ये रहा कि दिल्ली से जो फाइनल नाम होकर आएंगे उसी पर मुहर लगेगी। तो कांग्रेस में भी कुछ इसी तरह की स्थितियां कहा जाता है कि पार्टी आलाकमान जो तय करेंगे वही होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, दोनों तरफ स्थितियां ऐसी हैं, पार्टी आलाकमान जो नाम भेजेंगे या जिस पर मोहर लग रही है उसी को आगे किया जाएगा। ये बात नहीं रखी जाती है कि क्या राजस्थान से एक बार अगर जैसे कांग्रेस को मौका मिल रहा है 3 सीटें आगे ले जाने का, बीजेपी के पास एक क्लियर है, तो दूसरी सीट पर भी अगर खड़ा यहाँ पर उम्मीदवार कर रहे हैं तो ये कहा जाए कि अगर दिल्ली तक मैसेज पहुंचाया जाए इस बार जो भी उम्मीदवार हैं राजस्थान से अगर वो चिन्हित करते हैं राजस्थान के लिए अगर उनको कहा जाता है तो राजस्थान से क्यों ना उनको आगे यहाँ पर बढ़ाया जाए। ये स्थितियां शायद इस समय की बची नहीं है। बिल्कुल, अगर बात टिकटों की जाए तो टिकट देखिए वैसे तो तय कौन कर सकता है, लेकिन राज्यसभा के अंदर दूसरी पारी पूरी कर चुके हैं ओम प्रकाश माथुर और वो कोशिश करेंगे कि एक बार और नई पारी खेल सकें, और क्योंकि केंद्र में मंत्री बनने के काफी कुछ उनकी हक था, वो उस तरह के कद्दावर नेता भी रहे हैं, गुजरात के चुनाव में काफी कुछ नरेंद्र मोदी की नजदीकियां उनके साथ में उजागर रही हैं, तो अब वो कोशिश कर रहे हैं कि टिकट उन्हें मिल सके। अगर उन्हें नहीं मिलता है तो फिर किसी और को कास्ट फैक्टर को ध्यान में रख के किया जाएगा। इसी तरह से कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस में एक टिकट किसी जातिगत समीकरण के आधार पर जाट को दिया जा सकता है, एक दिल्ली से आ सकता है, और एक किसी पर दाव कांग्रेस वैसे खेल सकती है कि इनको चुनाव लड़ा दिया जाए और उसके बाद में तय होगा कि वो उनकी किस्मत पे छोड़ करके, तो ये कुछ इस तरह की कवायद की जा सकती है। हालांकि रणनीतिकार बीजेपी में कमजोर नहीं है और कांग्रेस में भी कमजोर नहीं है, दोनों तरफ से ही अपनी कवायद को किस तरह से अंजाम देंगे ये देखने वाली बात होगी। थोड़ा सा इंतजार करना होगा क्योंकि प्रत्याशी चयन करने में अभी समय लगेगा, नामांकन 31 तारीख तक होगा, जल्दी बिल्कुल नहीं है और समय समय है अभी राजनीतिक दलों के पास में, तो उस लिहाज से अभी निगाहें सबकी इसी पे टिकी हुई है कि आखिर कैंडिडेट कौन होते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अतिथियों का और हमारे दर्शकों का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।